हमारे आसपास बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है, वो लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं जो पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं या जो लोग वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। आज हम आपको एकदम आसान भाषा में और भारत के टॉप एक्सपर्ट्स के नजरिए से एंटीबॉडी की पूरी एबीसीडी समझाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि किसी इंसान में वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी की मात्रा उसकी इम्यूनिटी पर निर्भर करती है। अभी तक ऐसा कोई भी बेंचमार्क सामने नहीं आया है। एंटीबॉडीज की क्वांटिटी टाइटर वैल्यू से मेजर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जितना अधिक टाइटर वैल्यू होगा उतनी अधिक शरीर में एंटीबॉडीज होगी। हालांकि ज़्यादा टाइटर वैल्यू कोरोना वायरस से कंप्लीट प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देता है और यही कारण है कि वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का कहना है कि प्राकृतिक संक्रमण के 3 से 6 महीने बाद मरीज सभी प्राकृतिक एंटीबॉडी खो देता है, लेकिन कोरोना से बचाने के लिए मजबूत आरबीडी एंटीबॉडी चाहिए होती है। इसे और आसान भाषा में एक्सपर्ट से समझिए। कोरोना से संक्रमित होने के बाद हमारा शरीर सबसे पहले आईजीएम नाम की एंटीबॉडी बनाता है। संक्रमित होने के 5 से 10 दिन के अंदर शरीर में 4 अलग तरह की एंटीबॉडीज बनती है, आईजीएम, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, एंटी स्पाइक एंटीबॉडी और आरबीडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी। इनमें सबसे खास एंटीबॉडी जो हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाती है आरबीडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, ये हमें वायरस से बचाती है। ऐसा माना गया है कि वैक्सीन के बाद ये सभी तरह की एंटीबॉडीज हमारे शरीर में नहीं बनती, जबकि नेचुरल इन्फेक्शन में ये सभी तरह की एंटीबॉडीज बनती है। कुछ रिसर्च का ये भी मानना है कि नेचुरल एंटीबॉडीज वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी से ज़्यादा कारगर होती है। कोरोना वायरस की सतह पर नुकीली आकार के दिखने वाले स्पाइक प्रोटीन होते हैं। इन स्पाइक प्रोटीन में आरबीडी रिसेप्टर होता है जो इंसान के शरीर में जाकर सेल्स में एंटर करने में मदद करता है। इसी तरह से इंसान के शरीर के कुछ सेल्स में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि नाक, लंग्स और किडनी में। स्पाइक प्रोटीन में जो आरबीडी रिसेप्टर होते हैं वो इन ACE2 रिसेप्टर से आसानी से जुड़ जाते हैं और इस तरह से वायरस इंसान के शरीर में एंटर कर जाता है।